Welcome to GS Quick Learning. The topic is AOA. So let's we discuss. First of all, AO क्या होता है? AO stands for Article of Association of a Company. So on incorporation, every company needs a set of rules and regulation to manage its internal affairs. So कहते हैं कि हर एक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसको अपने इंटरनल अफेयर को मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट करना पड़ता है. क्लियर? वो सेट करती है. सो AOA क्या है? एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का जिसमें ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लिखे होते हैं. क्लियर? सो दैट कि जो कंपनी है अपने इंटरनल अफेयर को मैनेज कर सके. सो इट कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी एंड मोटिव्स टू कैरी आउट द ऑब्जेक्टिव एज मैंशन इन द मेमोरेंडम. सो मेमोरेंडम में बेसिकली ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मेमोरेंडम के बारे में बताया कि वो क्या था जिसमें बहुत सारे क्लॉज थे जिसमें हम लिखते थे नेम, ऑब्जेक्टिव, लाइबिलिटीज, सब्सक्रिप्शन, ऑल दैट. ठीक है? सो उसमें जो ऑब्जेक्टिव लिखा था, मेन टारगेट क्या है कंपनी का, उसको अचीव करने के लिए हमें रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे. क्लियर? सो उस रूल्स रेगुलेशन को जिसमें लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. क्लियर? सो इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विद रिगार्ड अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर कैपिटल, वोटिंग राइट, अकाउंट्स एटसेट्रा. ओके, सो वी विल डिस्कस. फर्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या इंक्लूड होता है. फर्स्ट हमारे पास आता है डेफिनेशन ऑफ कंपनी. डेफिनेशन क्लॉज इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड डिफाइन. जो डेफिनेशन क्लॉज जो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो क्या डिफाइन करता है कि वेदर इट इज अ लिमिटेड लिमिटेड कंपनी और वेदर इट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ये डिफाइन करता है कि कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और अदर कंपनी है. क्लियर? उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप्स आती है. इसमें क्या इंक्लूड करता है? शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के बारे में और डिटेल इसमें कवर होती है, जैसे कि क्लासेस ऑफ शेयर एंड वैल्यूएशन. कौन कौन से क्लासेस है शेयर की? इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, और कौन कौन से शेयर की क्लासेस है? लीन ऑन शेयर, कॉल ऑन शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, फॉरफीचर. ऑल आर डिटेल अबाउट दिस शेयर आर इंक्लूड इन दिस शेयर कैपिटल डिटेल. क्लियर? उसके बाद इसमें थर्ड जो कंटेंट इन्वॉल्व होता है वो है ऑल्ट्रेशन ऑफ द शेयर कैपिटल. अ कंपनी में एनी टाइम आफ्टर इट्स कैपिटल टू इंक्रीज द शेयर कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द कंपनी सिंपली. सो जैसे जैसे कंपनी की जो टाइम होता है टाइम बाय टाइम वो क्या करती रहती है अपने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने शेयर कैपिटल जो उसके अल्ट्रेशन उसमें करती रहती है, उसमें चेंजेस करती रहती है, कभी इंक्रीज कर ली, कभी डिक्रीज कर ली. सो कहते हैं कि इसमें क्या होता है अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में, ये डिफाइन होता है कि कंपनी ने कब जो अपना कैसे चेंज करेगी अपने शेयर कैपिटल, कौन कौन सी मीटिंग करेगी उस टाइम पर. ठीक है? तो ये सब उसमें डिफाइन होता है. उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. The company may any time on recommendation from the board capitalize any part of the amount of profit, capital reserve account or to credit to the profit loss account otherwise well. So कहते हैं कि अगर कंपनी जो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेकमेंडेशन से कोई भी वो कैपिटलाइज करना चाहती है प्रॉफिट को, वो भी उस सब में मेंशन होगा कि कैसे करेगी. पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेकमेंडेशन लेगी, देन प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल आर जो उसमें इन्वॉल्व हो गए सब वो इसमें मेंशन किया होता कि कैसे किया जाएगा. उसके बाद आता है बायबैक ऑफ शेयर. बायबैक ऑफ शेयर बारे में इसमें मेंशन होगा कि कंपनी में टाइम बताया होगा कि कंपनी जो अपने शेयर को बायबैक कर सकती है. बायबैक इट मींस कि अपने ही शेयर पहले इशू किए जाते हैं, उसके बाद कुछ टाइम बाद कंपनी क्या करते हैं उसी शेयर को वापस रीपरचेज कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं बायबैक. इट मीन्स कि रीपरचेज करना अपने ही शेयर को दोबारा. क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है जनरल मीटिंग. सो जनरल मीटिंग के बारे में भी इसमें जो है डिफाइन किया होगा किसमें? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. सो प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग कब होगी, कब कंडक्ट की जाएगी, वोटिंग राइट किसे किसे होगा, और प्रॉक्सीमीज की द पर्सन जो मीटिंग जो शेयर होल्डर है जब वो अपनी जगह पर कोई और पर्सन को एज ए सिमिलर अपने स्थान पर किसी और को भेज देता है मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सी. क्लियर?
सो वो भी इसमें डिफाइन होगा कि प्रॉक्सी लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 7 जो कंटेंट है, उसमें क्या होगा कि फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में बताया होगा कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा, उसकी रेमोनरेशन क्या होगी, प्रोसीडिंग क्या होगी बोर्ड्स की। ओके सो प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड, चीफ एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर ऑफिसर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO जिसे हम कहते हैं, और डायरेक्टर के बारे में सभी डिटेल जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होगी, मेंशन होगी। उसके बाद हमारा 8th पॉइंट आता है सील ऑफ अ कंपनी। सील मीन्स कॉमन सील। जैसे मैंने कंपनी की डेफिनेशन बताई थी आपको, उसमें मैंने बताया था कि कॉमन सील क्या होते हैं। कॉमन सील होती है कि वो एक तरह की स्टैंप होती है कंपनी की, जो कंपनी के अथॉरिटीज जो होती हैं, ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं, वो कंपनी के डॉक्यूमेंट पर यूज करते हैं। ओके सो द बोर्ड शैल प्रोवाइड अ सेफ कस्टडी ऑफ अ सील। सो कहते हैं कि बोर्ड को सेफ कस्टडी प्रोवाइड करनी चाहिए जो सील को, कॉमन सील को, सो दैट कि वो ऑथोराइज पर्सन ही उसे यूज करें, ना कि उसको गलत डॉक्यूमेंट पर यूज कर सके। सो ये सब भी डिटेल इसमें लिखी हुई होती है। उसके बाद हमारे पास आता है डिविडेंड एड रिजर्व। अ कंपनी इन जनरल मीटिंग में डिसाइड डिक्लेयर डिविडेंड, बट नो डिविडेंड शैल बी एग्जीक्यूटेड अमाउंट रिकमेंड बाय द बोर्ड। सो कहते हैं कि जो डिविडेंड की अमाउंट है ना, वो भी इसमें मेंशन की होगी कि डिविडेंड और रिजर्व के डिसीजन कैसे लेना है, डिसीजन कैसे लेना है। जो जनरल मीटिंग होती है ना कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर की, उनमें जो डिक्लेयर डिविडेंड किया जाएगा उसी को देना है, ना कि बोर्ड आपस में डिसाइड कर ले, वो नहीं प्रोवाइड करेगा। जो जनरल मीटिंग में डिसाइड किया होगा वही डिविडेंड दिया जाएगा, ये सब इसमें लिखा होता है। उसके बाद हमारे पास इसमें आता है अकाउंट्स। अकाउंट्स ओपन फॉर इंस्पेक्शन टू द मेंबर और एनी अदर कंपनी प्रोवाइडेड एट ए प्री डिटरमाइंड टाइम एंड कंडीशन। इसमें टाइम एंड कंडीशन लिखा होगा कि कब कंपनी के जो अकाउंट्स है, वेरियस अकाउंट्स बनते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स के बनते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, मैनेजमेंट के, कंपनी के भी अकाउंट्स बनते हैं, तो वो सब जो इंस्पेक्शन है उसकी कब की जाएगी, सब ऑल आर टाइम उसमें मैंशन होगा, किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। उसके बाद हमारे पास आता है इंडेमनिटी। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल बी इंडेमनिफाइड आउट ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी इंकर्ड बाय द हिम। सो इंडेमनिटी बेसिकली होता है किसी लॉस को फुलफिल करना, लॉस के अमाउंट को फुलफिल करना। तो जो अब कंपनी, मान लीजिए कंपनी ने कोई सिविल और क्रिमिनल जो है लाइबिलिटी अराइज होती है जब कंपनी के ऊपर, तो कौन कौन लाइबल होगा और कौन जो है इंडेमनीफाई करेगा, कंपनी कैसे इंडेमनीफाई करेगी, यू वो सब रूल्स रेगुलेशन आर किसमें लिखे होंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। लास्ट पॉइंट उसके बाद हमारे पास आता है वाइंडिंग अप। क्लियर। तो वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी को बंद करना, कंपनी खत्म होना। द वाइंडिंग अप प्रोसेस कैन बी एदर फॉलोड बाई कंपनी इटसेल्फ बाय लॉ। कहते हैं कि वाइंडिंग अप जो होती है वो तो कंपनी जहाँ अपने आप से कर सकती है, या फिर बाय लॉ कर सकती है, जहाँ तो कंपनी अपने आप बंद कर ले, या फिर लॉ ऑर्डर कहता है कि कंपनी बंद की जाए तभी वो बंद होती है। सो बेसिकली द कंपनी कैन बी वाउंड अप वॉलंटरी और कंपल्सरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी मीन्स कि अपनी मर्जी से कंपनी जब बंद करती है कंपनी को, उसको वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहते हैं, और कंपल्सरी मीन्स कि जब लॉ द्वारा जो है बंद की जाती है। द प्रोसीजर फॉर बोथ लेट डाउन ऑन कंपनी। सो ये कंपनी वाइंडिंग अप करने का जो भी प्रोसीजर होगा वो कैसे है, किसमें लिखा होगा, कंपनी एक्ट 2013 जिसमें कंपनी जो लिस्टेड होती है। क्लियर। सो कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन शेयरिंग। थैंक यू सो मच।